इंडिया फोर न्यूज इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की तमाम खबरों पर। इंगोरिया पुलिस ने लाखों रुपए कीमत की शराब तस्करी करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। ये शराब तस्कर गिरोह लगातार शराब की तस्करी में लिप्त था और पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही थी शराब तस्करी की। उसी दौरान इंगोरिया पुलिस को सूचना मिली और एक कार को रोका गया, पर पुलिस को देखकर उक्त कार चालकों ने तेज गति से कार को दौड़ा दिया और भागने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों ने भी पीछा किया और घेराबंदी कर कार शराब तस्कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपये कीमत की शराब देसी विदेशी जब्त की है। अब इन शराब तस्कर युवकों से इंगोरिया पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये कितने शराब के आरोपी पकड़े हुए हैं और किस प्रकार से। क्या कल रात को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक सिलेटी रंग की कार सिल्वर कलर की, उसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति अवैध शराब लेकर बदनावर तरफ से बनेगर होते हुए उज्जैन तरफ जाने वाले हैं। सूचना चूँकि पुख्ता थी इसलिए बल के साथ थाने के सामने नाकाबंदी की गई। आरोपी कार चालक द्वारा बहुत तेज़ी से साइड से निकाल कर उज्जैन तरफ भागने का प्रयास किया। पीछे गाड़ियां लगी थी पुलिस की, तो ये एक भैंस से टकरा गए थे, तो उसमें फिर गाड़ी में जो है एक लाखन आजना आरोपी पकड़ा है और उसके साथ में जो दो आदमी थे पप्पू चौधरी और श्रवण। पप्पू चौधरी ये तालुक का रहने वाला और श्रवण जो है जाफला बड़नगर क्षेत्र का रहने वाला है। ये दोनों भागने में सफल हो गए। कार को जब चेक करा उसमें तो उसमें 23 पेटी मदिरा देसी प्लेन और मसाला और तथा बियर की मिली है और ये इसकी कुल कीमत 1,20,000 रुपये है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लखन को मौके पर पकड़ा गया। पप्पू और जो दूसरा आरोपी एक अजान है श्रवण, वो फरार है। उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। जहाँ से ये लेके आए वहाँ भी दबिश देकर उनको भी मुलजिम बनाने का प्रयास किया। हमारे न्यूज़ इंडिया फोर चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।